ये पपैया का प्लांट है झिपी में, ये वाटरमेलन का है, सिंजेंटा का शुगर क्वीन और बाय ननेम्स का मैक्स, ये दो वैरायटी चलती है अच्छी। और ये वाटरमेलन ही है, ये 10 दिन का प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है? मेरीगोल्ड, ये शेलो झंडू का प्लांट है, झंडू ये शेलो, झंडू का ये शेलो, ड्रीम येलो और श्रावणी येलो। ये क्या है? ये कोकोपीट है। एक प्लांट निकाल कर दिखा सकते हैं कैसा रहता है? और ये कितने दिन में तैयार होता है? 20 दिन, सिर्फ 20 दिन। हाँ। और ये कितने प्लांट आप बनाते हैं सीजन में? अभी दशहरा दीपावली के सीजन में 56,000 स्विंग, 56 लाख स्विंग हुआ है। 56 लाख? हाँ। अच्छा, ये मेजर क्रॉप कौन सा एरिया है, मेजर एरिया? नहीं, दशहरा दीपावली में पूरा महाराष्ट्र में जाता है सर, और थोड़ा कर्नाटक पार्ट और थोड़ा MP गुजरात का पार्ट। तो ये सीड से होता है कि कोई और कोई चीज़ से बनाते हैं? हाइब्रिड वैरायटी जो है ये पोन, वो सीड से बनाते हैं, थोड़ा बहुत कलकत्ता स्टम का भी बनता है। और ये सीड सोइंग करके कितना दिन हुआ ये वैरायटी? 12-13 दिन हो गए। ये कितना दिन का प्लांट है विकास जी? 10 दिन। ये सेकंड सोइंग है आपका? कैप्सिकम इंदिरा, शिमला मिर्ची इंदिरा का, ये नया वैरायटी है। कौन सा कंपनी का ये वैरायटी? ये सिंजेंटा का इंदिरा है। ये पौधा क्या तैयार है? ये 5-10 दिन में तैयार हो जाएगा। कितने लाख पौधा है ये? पॉलियोस एरिया कितना होगा ये? पॉलियोस ये 3 एकड़ पॉलियोस है टोटल, अभी ये छोड़ के और आगे 4 है। नहीं, ये जो एरिया हम देख रहे हैं अभी पूरा कैसे कम है, ये 1 एकड़ का है। ये 1 एकड़ का है? हाँ। और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसमें सिर्फ कैप्सिकम है फिलहाल? हाँ, सिर्फ कैप्सिकम। एक ही वैरायटी है? एक ही वैरायटी। ये अभी कितने दिन में ये पौधा तैयार होता है? 35 डेज
35 days. अच्छा, कितने का प्लांट बेचते हैं ये? ₹2.20. अच्छा, ये जगह पे, ये मतलब ये एक्स फार्म का रेट है? हाँ। ये इसमें सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में ये सेल होता है महाराष्ट्र में? कौन सा सांगली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा, और नासिक। ये ग्रीन कलर होता है कि अलग अलग कलर्स आते हैं इसमें? इसमें अलग अलग कलर भी आते हैं। तो डिमांड सबसे ज़्यादा किस चीज़ का है? ओपन फील्ड के लिए, ग्रीन के लिए। ओपन फील्ड और ओपन फील्ड में ग्रीन के लिए? ग्रीन के लिए। हाँ, जो हम साधारण सलाड में और इसमें खाते हैं। हाँ हाँ। ये आपका टोटल पॉली हाउस एरिया कितना है? टोटल चार एकड़ है। अच्छा, तो और ये जो दिख रहा है छोटे छोटे, ये क्या है? देख पा रहे हैं, देखिए वो पॉली हाउस के उस साइड। हाँ, इसमें ग्राफ्टिंग चेम्बर है, हाई ह्यूमिडिटी डोम है, और उसमें शेवंती कटिंग से पौधा बनता है, स्ट्रॉबेरी का कटिंग का पौधा बनता है। अच्छा, आप और क्या क्या क्रॉप करते हैं? मैरीगोल्ड आपने बताया, मैरीगोल्ड। ये कैप्सिकम है, और ये कैप्सिकम, और पपया, क्रिसांतमम, शेवंती, स्ट्रॉबेरी, टमाटो, और बाकी चीज ज़्यादा नहीं बनाते ये एरिया में, नहीं। ये इसमें आप टोटली पूरे साल में कितने सारे मिला के कितने पौधे बनाते होंगे, जो सीडलिंग कहते हैं इसे? आप 9 करोड़ पौधा बनाते हैं टोटल। शायद मेरी जानकारी में ये सबसे ज़्यादा है एरिया के बारे में। और कोई नर्सरी वाले इतने नहीं? 9 करोड़ पौधा बनाने वाले महाराष्ट्र में कोई नहीं। तो आपकी स्पेशलिटी क्या है कि फार्मर आपके पास क्यों आएंगे और किसी के पास क्यों नहीं जाते? आपके मतलब अच्छा ही क्या है? कैप्सिकम में हमारे पास जो पौधा बनता है वो मॉर्टलिटी 1% भी नहीं आती, और वायरस नहीं आता, एकदम डिजीज़ फ्री रहता है प्लांट। इसीलिए कैप्सिकम के लिए स्पेशली हमारे पास ही कस्टमर आते हैं, किसान आते हैं। और पपया और क्रिसांतमम, झेंडू और स्ट्रॉबेरी, ये प्लांट सबसे ज़्यादा मतलब हज़र स्टॉक में बना के देने वाले हम हैं, क्योंकि फार्मर के लिए वेट करना अभी मुश्किल है। 15 दिन रुको, 20 दिन रुको, ऐसा वो एनवायरनमेंट भी काफ़ी चेंज हो गया, कस्टमर हाँ फार्मर लोग इतना दिन रुक नहीं सकते, तो हम हज़र स्टॉक प्लांट देते हैं। दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए आप ये प्लांट देते हैं फार्मर को, तो उसके साथ कुछ आप टेक्नोलॉजिकल कुछ नो हाउ बताते हैं? लाइक आप मतलब समझ सकते हैं कि उनको और क्या किस टाइप के सर्विस देते हैं? डिलीवरी देते हैं? डिलीवरी सुविधा है आपके पास? हाँ, हम कस्टमर को डिलीवरी पहुँच खेत में पहुँच डिलीवरी देते, डोर डिलीवरी देते हैं। और दूसरी चीज़ हमारा मानना यही है कि फार्मर को कंसल्ट करना है, उनको सिखाना है, उनको खेती में कौन कौन सा बीमारी आती है, उनको क्या क्या दवाई लगती है, कौन कौन से एरिया पीरियड में कौन कौन सा प्लांट बना मतलब खेती होना चाहिए, कैप्सिकम कौन से पीरियड में लगाया तो ज़्यादा रेट मिलेगा, कौन से पीरियड में जो आप नॉलेज शेयर करते हैं उनके साथ, उसके लिए कोई चार्ज लेते हैं कि ये पौधे के साथ वो आपका फ्री देते हैं? हमारा मानना है किसानों का विकास होना चाहिए, किसानों का सक्सेस पे हम सीरियस है, इसलिए हम फ्री में उनको प्लॉट विजिट करके कंसल्ट करते हैं। अच्छा, बहुत बार हम सुनते हैं कि भाई पौधा ख़राब है या किस तरह की प्रॉब्लम्स आता है या किसान कंप्लेन करते हैं, तो इस तरह का जब आते हैं तो आप लोग कैसे एक्टिव, मतलब क्या उसको रिप्लाई करते हैं? तो हम हमारे जो स्टाफ है टेक्निकल स्टाफ है वो फार्म पे जाता है, एग्जैक्ट उसको क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम आया है। कभी कभी क्लाइमेट के वजह से प्रॉब्लम आता है, कभी कभी बारिश ज़्यादा होता है तब फार्मर लोगों को प्रॉब्लम आता है, कभी कभी धूप बढ़ता है तब फार्मर लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो हम जाके पूरा देख के उनको क्या तकलीफ़ है और पौधे को क्या दिक्कत आ रही है, उसी हिसाब से उनको कंसल्ट करते हैं, उनको उसी हिसाब से दवाई देते हैं और उनका प्रॉब्लम क्लियर करके देते हैं। इसमें क्वालिटी में इस टीम जो है दिख रही है, स्टीम जाड़ा होना चाहिए, ये जब स्टीम जाड़ रहेगी तो
धूप में पौधा मर नहीं जाएगा, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये कैप्सिकम का इंदिरा, सिंजेंटा कंपनी का इंदिरा शिमला मिर्ची का प्लांट है, और ये इसका क्वालिटी आप देख रहे हैं, उसका स्टीम ये सब हाई टेम्परेचर में सस्टेन रहेगा। ये स्टेम की बात कर रहे हैं, और ये रूट्स आप देख सकते हैं, इतना अच्छा रूट होता है, और ये प्लांट का हाइट, और ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट। और क्या क्या मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं उसमें? पिटमस रहता है, एलिपोट रहता है, जीपी रहता है, और कुछ परलाइट या इस तरह का कुछ इस्तेमाल करते हैं कभी? परलाइट कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कौन सा क्रॉप के लिए? ज़्यादा बारिश हो, जब पानी ज़्यादा हो के मॉर्टलिटी आती है, उस पीरियड में हम परलाइट यूज़ करते हैं। इनका एक देखा ना तो इनका स्टेम और रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये पौधा जब ट्रांसप्लांट करेंगे किसान, तब कभी भी मॉर्टेलिटी के चांसेस 1% भी नहीं आए, 1% से कम होता है। कम होता है, देखा है हमने, फार्मर कंप्लेन करता है, क्योंकि बहुत सारे नर्सरी हमने देखी है कि पौधा एकदम पतला सा रहता है और इतनी हाइट का रहता है जो लंकी दिखता है। हाँ, लंकी दिखता है, और जब टेम्परेचर और बारिश ऐसा क्लाइमेट रहता है उसी टाइम सबसे ज्यादा 40% से 80% मॉर्टेलिटी के चांसेस किसानों को रहते हैं, बढ़ जाते हैं। तभी ये पौधा मेरे को अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, और किसान भी इसके लिए काफ़ी खुश रहते हैं। लाल स्ट्रॉबेरी, कौन सा वैरायटी है? विंटर डॉन। ये टिश्यू कल्चर है या कैसा है? सीड से बनता है, कैसा है? ये कैलिफोर्निया में से मदर प्लांट इंपोर्ट होता है, और वहाँ सिर्फ कटिंग लेके हम ये बनाते हैं। ये कटिंग स्ट्रॉबेरी प्लांट है। ये रेडी फॉर सेल है? नहीं, और 10 दिन लगेंगे। और 10 दिन में ये तैयार हो जाएगा? हाँ। ये कितना ही बोलेगा उसका? एक एकर मैरीगोल्ड, एक एकर। और पपैया के लिए 2 एकड़ है। 2 एकड़ टोटल कितना एकड़ है? 5 एकर पॉली हाउस और 8 एकर शेड नेट हाउस। काफ़ी बड़ा एरिया। हाँ यस। कितना लेबर काम करते हैं? 300 लेबर काम करते हैं। हर रोज।
ये पपैया का प्लांट है और ये जीपी है, इसमें जीपी से ऐसा रूट, व्हाइट रूट आया है। ऐसा खोल के दिखाइए। ऐसा नहीं, ये आप देख रहे हैं, ये पपैया का प्लांट है। ये कौन सा वैरायटी है? ये ताइवान 786 नोन्यू सीड का, ताइवान। और ये भी आप सीड से बनाते हैं? हाँ, ये भी सीड से बनाते। कितने क्वांटिटी बनाते हैं आप? 50 लाख सीडलिंग बनाते हैं। एक सीजन में? पूरा साल में। पूरा साल। और क्या क्या इसमें क्रॉप है बता सकते? वाटरमेलन का है, सिंजेंटा का शुगर क्वीन और बाय ननेम्स का मैक्स, ये दो वैरायटी चलती है अच्छी। और ये? ये वाटरमेलन ही है, ये 10 दिन का प्लांट है। ये वाटरमेलन आप देख पा रहे हैं, वो पपाया है। और ये पीछे सब प्लांट है, वो क्या है? ये वाटरमेलन का है और उसके बाजू में मेरीगोल्ड है। धन्यवाद। कैप्सिकम की खेती हो रही है, किस तरह इनका ट्रायल प्लॉट है ये, विकास हाईटेक नर्सरी। कितना एकड़ का प्लॉट है विकास जी? 2 एकड़ का। 2 एकड़? ये ट्रायल में हमने लगाया है, इसमें सिंजेंटा का इंदिरा और इंडस 11, ये दो वैरायटी का ट्रायल चल रहा है इसमें।